चलो भाई हमारी मेहमानों की भी विदाई। यहाँ पे हम लोग 7 बजे से कर रहे हैं इंतजार बस का, पूरी मालोनी टीम मेरी, ये पूरे हमारे परिवार के हैं, अभी आ नहीं रखे, मतलब थोड़ी बहुत ही आ रखे हैं, बाकी लोग चले गए हैं, गिने चुने हैं हम लोग अभी फिलहाल। यहाँ पे फिलहाल मिल गई है हमें अफजलगढ़ की बस, बड़ी मुश्किल से 8:30 हो रहे ना, हाँ 8:30 हो रहे हैं अभी, और हमारे संग छोटे बच्चे, ये देखिए सीट नहीं हो रही, और ये उतर जाए, आप कहाँ उतरोगे, ये हमारे से पहले स्टॉप पे उतर जाएंगे, ये मेरी भाई की लड़की है। बहुत मजा आया हमें यहाँ शादी में, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने बुआ के साथ, बहुत मजा आया हमें। तो फिर जल नहीं आती तो हम बोर हो जाते, इसलिए जहाँ भी शादी होगी तो मुझे कॉल कर दिया करो, ठीक है। हम लोग बर्फीले इलाके में चल रहे हैं, इसलिए ठंडा लग रखा है, और लग रहा है इसलिए हमने ले रखा सॉल, और हमारा प्लेन क्रैश ढंग से हो रहा, लैंडिंग सही से नहीं हो पा रही है, ओहो चेक लेनी पड़ेगी, बेल्ट बांधनी पड़ेगी, हाँ बेल्ट बांध के चलो पहले, तो गाइस हम बेल्ट बांध के, मेरा फोन गिर जाएगा। यहाँ सामने धान भी लग गई है खेतों में हमारे, हम लोगों के हैदराबाद पुरतपुर वाली रोड पे मैंने बुलाया अपने भाई को यहाँ, तो आधे रास्ते तक हम लोग आ गए, आधे तो क्या अभी सामने ही है हैदराबाद, बंदर आ गया, और टिम्बट है, इतने बंदर हो गए यहाँ, पहले नहीं घूमते थे ऐसे, ये मिल गई मुझे लिफ्ट आलो द्रावस से, आगे देखो भाई बाकी हम संभाल लेंगे। ये हमारी पुरतपुर की रोड, और ये है टॉप की रोड हमारी पुरतपुर की, ये आ गया हमारा घर, इधर आ, फूफू प्रणाम नहीं कर रहा, इधर आ, ये हमारे घर का सबसे छोटा शैतान, प्रणाम नहीं कर रहा फूफू को, प्रणाम तो कर दे, कर दे, तुझे कुछ नहीं सिखाया इन्होंने, दिनांश तक प्रणाम तो कर दे फूफू को, कर दे हैं, फोन उसमें तो खूब बोलता फोन में कि गुड्डी फूफू प्रणाम, फूफू को प्रणाम नहीं करा, ए अबे ये मेरा भाई बड़ा, ये हमारी क्यारिया, इधर तुमने घास क्यों नहीं निकाला इस बार लहसुन उसमें प्याज में, ये अपने दादाजी को दिखाने ले जा रहे हैं, अरे कहाँ गया तो कहाँ है दादाजी, लेट रखे, ये पहले प्रणाम तो कर दे, पहले प्रणाम कर, प्रणाम तो कर दे, प्रणाम कर दे, प्रणाम तो बोल दे, बोले पैर छू ले, और दूंगी तब,
अगर पढ़ना फूफू वाल पढ़ना हाँ फूफू पिंडा मतलब ही हाँ पैर छू फूफू का पैर छू पहले देख रहे पैर से छू रहे देखो पैर से छू रहा मेरा पैर ये हाल है इसके पहले हाथ जोड़ के अगर फूफू प्रणाम बोल हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ हाथ जोड़ ले नी फूफू प्रणाम बोल फूफू प्रणाम हाथ जोड़ के फूफू प्रणाम पैर आज है मेरा वीडियो का दूसरा दिन और मैं जा रही हूँ थोड़ा अपनी भाभी जी लोगों के संग खेत की और तो देखती हूँ वहाँ क्या क्या हो रहा है। हनी महाराज भी तैयार जाने के चलो बाय तो कर दो लॉलीपॉप दिखा रहे ये बड़ा दे रहा छोड़ने नमस्ते हेलो आज कहाँ जा रहे बच्चे यहाँ हमारी गांव की चक्की से प्रसिद्ध है यहाँ पे जगह हमारी और मेरी भाभी जी जा रही हैं और इधर है हमारा काफ़ी बड़ा गाँव है ये और नमस्ते फूफू और इधर हमारे गांव का मेन रोड और ये है फूफू जी हमारी ये देखो लाला आदमी बन रखे हैं लाला बन रखे हैं और हमारे मामा जी कहाँ हैं और ठीक ठाक फूफू सब बढ़िया छोड़ रखे गांव में पहले कितनी कीमत थी इनके बेचारों की चल 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 और इधर हमारा खेत और इधर है मेरी सहेलियों का घर तो मैं जा रही हूँ सामने जा रही है मेरी मम्मी अभी जा रहे हैं गन्ना और हम लोग जाएंगे इधर और मिलेंगे तो तब दिखाऊंगी मैं अपनी खेत की तरफ पता नहीं ये तो काफ़ी सारे हैं पांच तो ये रहे बाकी फौज पता नहीं कहाँ है इनकी ये मैं और मेरी भाभी और मेरी मम्मी जा रही हैं खेत ये हमारा खेत का रास्ता है ये तो एक खेत यहाँ कर रखा और दूसरा खेत उधर है और इधर अभी ये लोगों ने गन्ना बो रखा है खेत में ये देखो कैसा कीचड़ हो रखा है खेत की तरफ कीचड़ कीचड़ ये तमाम इधर से जाएंगे किनारे से और इधर से बाकी पानी भरा हुआ इधर खेतों में और सॉरी सड़क में वो के भूसे की ढेरी आई ये खेत में बारिश की वजह से और यहाँ खेतों में ये धान लग रखे हैं तो पानी यहाँ कितना मतलब ये तो शायद नहर का पानी भरा होगा बारिश का तो इधर है इतना और ये नहर का पानी है इतना ये यहाँ धान भी लग गए खेतों में ओ वहाँ तक ये गन्ने में कली फूट गई पहले से ही अगर ये इसको काटेंगे नहीं ना तो ये अच्छा हो जाएगा जल्दी हो जाएगा बड़ा गन्ना और अभी गन्ना वैसे ही खड़ा है यहाँ खेतों में भर गया पानी पता नहीं क्या करेंगे और हमारा खेत यहाँ लिप्टिस के पेड़ों के पास है जामुन का पेड़ और इसमें भी फूल आ गए अगस्त में जामुन पक जाते हैं कितने फूल आ रखे इसमें झक के फूल आ रखे और ये सामने सिंचाई के लिए नहर है क्या आ गया हमारा खेत और ये सामने यहाँ से भी कादराबाद के लिए चली जाती है रोड सीधा और ये मेरे पापा काट रहे गन्ना ये मेरा भाई खड़ा हो रखा है ये देख रहा है कि मेरे पापा गन्ना कैसे काट रहे और ये हमारी गांव की रोड इधर के लिए मेरे पापा गन्ना काट रहे हैं और ओ वहाँ तक जहाँ तक वो लिप्टिस के पेड़ है वहाँ तक है खेत इधर उसके आधे में इस पट्टे में भी आधे में गेहूं बो रखे थे और उसके दूसरे पट्टे में उधर गन्ना ही लगा रखा वहाँ सामने इधर भी और ये डोलों में बोया रहता है सब लोगों ने लिप्टिस या पॉपुलर के पेड़ तो हमारे लिप्टिस के ही पेड़ हैं और तब गन्ना काटते हैं तब तक मैं करती हूँ थोड़ा आराम खाती हूँ एक गन्ना उसके बाद मैं भी छिलवाऊँगी गन्ना पता आ रहा है सबसे लास्ट में से सबसे फर्स्ट में आना चाहिए क्या कर रहा था तू है ये सामने नील गाय ये देखो यहाँ भी नील गाय है ये भाग जाएंगी शायद मेरे जाते हुए ये गई ये नील गाय बिल्कुल घोड़े की तरह होते हैं ये सामने जैसे जंगल में हिरन नहीं रहते हिरन बड़े घोड़े की तरह होते हैं देखो कैसे भाग रहे
कितनी है नील गाय? ये देखो, ये भागी, ये री, ये री, ये री, ये री, ये री। आठ ये री, पांच उधर थे। ये छोटे वाले हैं, वो बड़े वाले थे। ये खेत में ऐसे नुकसान करते हैं। और इधर मोर भी बोल रहे हैं, मोर की भी आवाज़ आ रही है। जबकि जंगल तो नहीं है, पर मोर भी काफ़ी है, आवाज़ तो आ रही है उनकी बोलने की। ये पांच नील गाय यहाँ पे, छक नील गाय, और कि कहाँ पे पांच, कहीं पे छः, कहीं पे आठ, और ये पांच देखो कैसे उठ रखे, वो कितने सारे नील गाय है। आश कितने हैं? छः नील गाय है ये। ये काले वाले हैं और बाकी भूरे कलर के होते हैं, दो कलर होता है इनका। ये देखो कितने मजे से घूम रहे हैं। तू वही के छह का चुकड़ी, पांच ही है, छह ची, अच्छा पांच, हाँ पांच नील, पांच है ये नील भाई। ये देखो कितने मस्ती में घूम रहे हैं, इनकी रेस लगवानी थी। ये देखो क्या मस्त मगन होकर घूम रहे हैं, जहाँ इनकी मर्जी वहीं निकल जाते हैं। और ये हमारा तीसरे साल का गन्ना, इसे बोलते हैं सेड़ी। ये पेड़ी मतलब सेड़ी तीसरे साल का, और इसके दूसरे तरफ नौला गन्ना है। ये इसके दूसरे तरफ नौला गन्ना है, और ये है नया गन्ना हमारा। ये नौलक बोलते हैं नए गन्ने को। ये जो दूसरा हो रहा है, पहले है नौलक, फिर है दूसरे साल का पेड़ी, और इसे बोलते हैं सेड़ी। ये तीसरे साल का गन्ना है हमारा, तीसरे साल का भी अच्छा हो गया। इस बार तीसरे बार भी गन्ना छोड़ रखा मेरी मम्मी लोगों ने। इधर खेत तो घूम गई मैं अच्छी तरीके से, रब चलती घर की ओर। चलो भाभी, टाइम हो रहा है 12:15, और हम लोग जा रहे हैं घर। मेरे पापा और भाई आ रहे हैं पीछे, मेरी मम्मी चली गई वो सामने। ये आधे में से की लेके आएगा अक्की रावत। और मौसम भी बदलने लग गया है, बारिश ने तो काफ़ी नुकसान कर दिया। अभी तो लोगों का भूसा भी नहीं रखा गया है, भूसा भी बाहर में ही बिक गया। और गन्ना काटने में भी परेशानी हो रही, क्योंकि खेत में ट्रैक्टर ट्राली कैसे जाएगी, तो इसलिए गन्ने में भी परेशानी हो रही है। और बादल फिर से बदलने लग गए, ऐसे मौसम बदलने लग गया है। सामने अब सत्तल भी सूखने लगी है, ये बरसीम, अब ये लास्ट है बरसीम लोगों की ना। इसे हम सुनसना घास बोलते थे, देखो कैसे बचते हैं ये। ओहो ये बज नहीं रहे, जब कच्चे रहते रहे, पट 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 बोलते हैं। बहुत सालों में देख रही हूँ मैं इसको, पेड़ को देख रहा कैसा हो रखा है, बहुत बड़ा पेड़ हो रखा है। गांव शुरू हो गया है, लोगों के तमाम खेत में भूसा रह गया देखो बारिश की वजह से। और ये सामने गन्ना की ट्राली खींचने के लिए दो दो ट्रैक्टर लग रखे हैं, क्योंकि खेत इतना गीला हो गया है। यहाँ ये बरात की गाड़ी सज रही है यहाँ, और ये हमारा इधर ये सामने हमारा शिव मंदिर, यहाँ भी पानी भरा हुआ है बारिश की वजह से काफ़ी। फ्रेंड का घर बन रखा है, बन रहा है अभी, कंप्लीट नहीं हुआ शायद। और यहाँ हमारा शिव मंदिर, फूल कितने अच्छे खिल रखे हैं। अब ये दो लॉलीपॉप किसने दिया? किस तीन तीन किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? मम्मी। तेरी मम्मी क्या कर रही है यहाँ? गोबर गैस
ये ऐसे गोबर छोड़ते हैं हम लोग गोबर देते हैं। तुम क्या कर रही हो भाई? ये यहाँ से बाहर आ जाएगा थोड़ी देर में, जैसे गैस बनेगी तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये गोबर ऐसे हो जाता है। फिर इसको हटा के ऐसे जब ये ऐसा हो जाएगा तो उठा के यहाँ रख देते हैं। इधर हमारा डंगरों का है, इधर चारा काटने की मशीन है और एक भूसा का है और इधर ये डंगरों पूरा, मतलब अंदर कमरा डंगरों का है और बाहर ये पूरा तीन साइड लगा रखा है, ये भी डंगरों के लिए, मतलब यहाँ डंगर बांध रखे मम्मी लोगों ने। और दूसरा गेट इधर है हमारा पीछे की साइड, और ये सामने आम और नीम का पेड़ एक साथ हो रखा, उधर डैकन का पेड़ है, इधर जामुन का पेड़ है, और इधर से बाड़ कर रखी है, इधर से फिर क्यारियाँ हैं हम लोगों की, और दूसरा जो नया मकान है उस साइड में, इस साइड में दूसरा मकान। ओ यार वो पानी पियो यार। आए हन्नी मेरे पानी नहीं आया। ओए होए काट रखा है चारा काटने के लिए, ये अगोले रखे हुए हैं और इधर उपले रखे हुए मेरी मम्मी लोगों ने। इधर ये बिजली की सुविधा भी कर रखी है और बिजली नहीं आएगी तो जनरेटर है। हनी सुन इधर आ, कहाँ जाएगा देहरादून? नहीं अर्धो स्कूल जाएगा, स्कूल स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, हाँ स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा, देहरादून जाएगा, जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, खोल स्कूल जाएगा देहरादून? नहीं जा रहा मैं, कहीं भी नहीं जा रहा मैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45 और मैं जा हो गई हूँ अपने घर जाने के लिए तैयार। यह हो गया नाश्ता पानी। अनुज रावत कहाँ जाने वाला है रिजल्ट, अगर इसका 80% आ जाएगा तो अपने अपना आईफोन में इसको देके जाऊंगी। आएगा 15-20 तारीख को कौन? अच्छा पीछे कौन है बच्चे? देहरादून जाएगा है? स्कूल जाएगा? ना स्कूल जाएगा, देहरादून जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बता। नहीं देहरादून जाएगा स्कूल? स्कूल हम भी देहरादून जाएंगे ना, चलो उठो तो चलो ना, पहले तैयार तो हो जा। मम्मी मम्मी स्कूल के लिए कर रही है तैयार। छुप गया देख रही स्कूल नहीं जा रहा वाला। चल चल ट्रैक्टर में खेत जा रहे, खेत जा रहे, नहीं जा रहे स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, हाथ पकड़ना, स्कूल स्कूल नहीं जाना है, स्कूल गंदा है। नहीं अरे वहाँ जा रहे खेत, खेत गर्मी हो रही, गर्मी गर्म हो रहा, खेत जा रहे हो बाहर, गर्मी खेत जा रहे ट्रैक्टर में, स्कूल जाएगा कि खेत? जल्दी बता कहा जाएगा खेत? देहरादून चल तो चल, अभी तो मना करा था, मैं जा रहा था देहरादून। अरे देहरादून के लिए तैयार तो होते थे, फूफ ने यहाँ पहन रखी है। अरे ये आ गया मेरा रिक्शा और मैं जा रही हूँ घर, ठीक है? भुल्ला को भी देना, छुपाना मत, कपना मत खाना। अब वो कहाँ गया? वो ओ दोस्त हो गए। देहरादून देहरादून चल रहा, बैठो बैठो बल, चल तो बैठ 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 तो बैठ 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 आगे जाओ, आगे आगे जाओ, आगे यहाँ पर अभी साबा जाओ, यहाँ पर आगे बैठो, यहाँ पर आए जिट्टा के सामने बैठो, आगे बैठो, चल बैठ। स्कूल छोड़ रहे तो क्या? स्कूल स्कूल ले जाएंगे जिट्टा तेरे, स्कूल ले जा रहे, स्कूल जा रहा तू? स्कूल जाएगा, स्कूल जा रहा, ऐसे जाएगा चमार बन के स्कूल है, मूवी दो सुबह से ना, बाय कर दो सबको, बाय तो कर दो सबको, घर में रहो तो चल रहे हैं बहुत। तो क्या कर रही है? ओहो ये तो संजू का है। ये
बजे पहुंच गई मैं कादराबाद में और मैं कर रही हूँ गाड़ी के आने का इंतजार। गाली में डलवा रहा हूँ जिंदगी भर अफसोस होएगा इस बात का। हाँ कोई बैठा ना ऐसे लोगे ना अभी फाइनली पहुंच गई मैं अपने घर पे। अभी हो रहे 12:10 सुबह चली थी मैं अपने घर से अपने मायके कालागढ़ से 7:00 तो यहाँ पहुंच गई थी मैं ठीक 12:00 पहुंचना तो जल्दी था मैं लेकिन हरिद्वार में ट्रैफिक लग गया था। और आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगली नई वीडियो में आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगती है। और आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।